Hey guys, welcome back to Education भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरी जो वीडियोस है ना वो आजकल उतनी ज्यादा फनी नहीं रह गई है, और एज अ इंग्लिश टीचर मेरा तो फर्ज बनता है तुम लोग को हंसाऊं, थोड़ा जोक वो क्रैक करूं, मेरा यही तो काम है। तो इसलिए हम इस वीडियो को एक जोक के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने लिख के रखा है, एक दिन जो मेरे पापा है वो घर आते हैं एंड वो देखते हैं कि मैं जो हूं ना मैं रोरिंग फायर के सामने खड़ा हूं, एंड ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोग गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि हमारे घर में फायरप्लेस था ही नहीं। फनी नहीं था ये? फनी तो था, आई थिंक सो। चलो फनी तो हो गया ना। वैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये फनी वाला जोक्स नहीं आने वाला, तुम्हारे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, मैंने इस वीडियो में अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को इतना ज्यादा डिटेल में कवर करा है कि इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही है। मतलब कि इस चैप्टर से बाहर तुम्हारे क्वेश्चन आने के चांसेस इतने ही है जितने आरसीबी के आईपीएल जीतने के हैं, मतलब कि 0%। वैसे मैं भी आरसीबी फैन हूं, तो थोड़ा कमेंट सेक्शन साफ सुथरा रखना। बाय द वे, मैं तुम्हें ये बता दूं कि आगे जो तुम वीडियो देखने वाले उसमें तुम ये एनिमेटेड फेस नहीं देखोगे, क्योंकि मैं ये वीडियो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बना के रखा था। बट अगले चैप्टर से तुम पूरे वीडियो इसी फेस के साथ देखने वाले हो। और हाँ, नीचे टाइमस्टैम्प्स देख लो, मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि कौन सा पेज नंबर कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में है। और अगर तुम अभी बुक खोल के देखते हो इस वीडियो को तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। अब देखो, इस पूरे वीडियो में तुम लोग मुझे राइटर मान के चलना, मतलब ये जो पूरी स्टोरी है ना ये मैंने लिखी है, तो मैं इसे अपने ढंग से बताऊंगा। तो इसका मतलब तुम लोग समझ लो इस पूरे स्टोरी के लिए मैं ही खुशवंत सिंह जी हूं। मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो वैसी है जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है, मतलब कि एक ओल्ड वुमन, मतलब एक बूढ़ी औरत है वो। मैं अपनी ग्रैंड मदर को पिछले 20 साल से जानता हूँ और वो हमेशा से ओल्ड और व्रिंकल्ड रही है। व्रिंकल का मतलब होता है जब तुम बूढ़े होते हो ना तो तुम्हारे फेस में झुरिया टाइप से आ जाती है, उसे ही व्रिंकल कहते हैं। और पिछले 20 साल से जब से मैं अपनी ग्रैंड मदर को जानता हूँ ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो लोग है ना वो बातें करते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा यंग और प्रिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी, एंड उनका एक हस्बैंड भी था। बट मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्ड टू बिलीव है, मैं इसे इतना आसानी से नहीं मान सकता। तुम्हें पता है मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है ना वो मेरे ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है, पता है कहां पे? मेंटल पीस के ऊपर। अब मेंटल पीस क्या होता है? जो पहले के टाइम में घर होते थे या फिर जो अमीर लोग रहते थे ना उनके घर में कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता था, चिमनी टाइप का, तो उसे हम लोग मेंटल पीस कहते हैं। तो मेरे जो दादाजी का पोर्ट्रेट है ना वो उस मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ है, एंड तुम्हें पता है उस पोर्ट्रेट में, मतलब उस तस्वीर में मेरे दादाजी एक बड़ा सा टर्बन पहने हुए हैं। टर्बन पता है क्या होता है? मेरे दादाजी, मेरा जो पूरा फैमिली है वो पंजाबी है, तो जो लोग पंजाबी लोग जो होते हैं ना वो लोग सर पे पहनते हैं ना तो उसे टर्बन कहते हैं। और टर्बन के साथ साथ उन्होंने बहुत ही लूज फिटिंग क्लोथ भी पहन के रखा है, बिल्कुल इस टाइप का। मेरी जो ग्रैंडफादर की जो व्हाइट दाढ़ियां है ना वो बिल्कुल चेस्ट तक आती है। मेरे जो दादाजी है ना वो उस फोटो में बिल्कुल 100 साल के बूढ़े लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनके बीवी बच्चे होंगे, बल्कि ये लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड दिखते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक यंग और प्रिटी लड़की उनसे पटेगी, मतलब कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा यंग और प्रिटी होगी, ये मुझे दादाजी को देखकर तो नहीं लगता कि मेरी ग्रैंड मदर ऐसी हो सकती है। आई नो कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं अपनी दादी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो शक्ल से जैसी भी हो लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरी जो दादी है ना वो बताया करती थी कि जब वो छोटी थी तब वो बहुत सारे गेम्स भी खेला करती थी, पर ये जो मेरी दादी की गेम खेलने वाली बात है ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और इलॉजिकल लगता है। मेरी दादी गेम कैसे खेल सकती है? उनकी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेंट आकर हमें मॉरल स्टोरीज पढ़ा रहा है। मेरी जो दादी है ना उनका हाइट थोड़ा सा छोटा है और वो थोड़ी सी झुकी हुई है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है ना, और वो बहुत ही ज्यादा मोटी भी है। उनके पूरे फेस में क्रिस क्रॉस है, मतलब उनका जो पूरा फेस है ना उसमें बहुत सारे रिंकल्स हैं, ऐसे ऐसे दाग धब्बे हैं। और जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं अपनी दादी को करीब 20 साल से जानता हूँ। मेरी दादी इतना ज्यादा ओल्ड थी ना कि उनसे ज्यादा और क्या कोई ओल्ड हो सकता है, मतलब उनसे ज्यादा और कोई क्या ही ग्रो कर सकता है। मैं अपनी दादी को पिछले 20 साल से जानता हूँ और हमेशा से वो बिल्कुल ऐसी है। हाँ वो फेयर नहीं थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी,
अंदर से। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब वो पूरे घर में घूमती थी व्हाइट कलर के ड्रेस पहनकर। मतलब तुम लोग व्हाइट कलर का साड़ी या फिर सूट समझ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका पति मर चुका है एंड उस जमाने में लोग ये सब बहुत मानते थे। हालांकि अभी अगर किसी लड़की का या फिर किसी वुमेन का अगर हस्बैंड मर जाता है तो इतना कंपलसरी नहीं है कि वो जिंदगी भर व्हाइट कलर के ड्रेस पहनकर ही घूमे। लेकिन क्योंकि इनकी दादी बहुत ज्यादा ओल्ड थी और ये कहानी भी काफी टाइम पहले लिखा गया है, तो उस टाइम पे जो लड़कियां या फिर वुमेन होती थी ना, उनका ऐसा नियम था। इसलिए जो इनकी दादी है ना, वो हमेशा घर पर व्हाइट कलर का साड़ी या फिर व्हाइट कलर का ड्रेस ही पहना करती थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉबल्ट का मतलब क्या हुआ? हॉबल्ट का मतलब होता है बहुत ही अजीब वे से या फिर ऑकवर्ड वे में चलना। अब देखो, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही ज्यादा ओल्ड है तो वो नॉर्मली ऐसे से करके तो नहीं चल सकती ना, इसलिए वो काफी ऐसे 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 करके चलती थी, इसलिए यहाँ पे हॉबल्ट का यूज किया गया है। मेरी दादी जब चलती थी ना, तो वो अपने आप को स्टूप के ऊपर बैलेंस करती थी। अब स्टूप का मतलब क्या होता है? जो लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं या फिर जो लोग लंगड़े होते हैं या फिर जो लोग थोड़े बूढ़े होते हैं, तो उनको एक चीज का सहारा चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, उसे स्टूप कहते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके चलती थी स्टूप का सहारा लेकर, और उनके एक हाथ में हमेशा रुद्राक्ष का माला हुआ करता था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि रुद्राक्ष का माला क्या होता है? तुमने कभी देखा होगा मूवीज में या फिर रियल में भी काफी सारे लोग ऐसे मंत्र का जाप करते हैं एक माला लेकर, उसे रुद्राक्ष का माला कहते हैं। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे दादी के जो सिल्वर लॉक्स थे ना, वो उनके पूरे फेस में ऐसे उलझे रहते थे। सिल्वर लॉक्स क्या होता है तुम्हें नहीं पता? हाँ, ताला चाबी, सही समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो यार। सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है उनके जो हेयर्स थे ना, सिल्वर हेयर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एजेड हो गई है, एंड एजेड होने के बाद तुम्हें पता ही है क्या होता है बालों के साथ, उसके कलर उड़ जाते हैं या कई लोग गंजे भी हो जाते हैं। तो वही बात है, उनके जो हेयर का कलर था वो उड़ गया था, व्हाइट हो गया था या सिल्वर हो गया था, तो वही उनके पूरे फेस में ऐसे उलझे रहते थे। और मेरी दादी का पकर्ड फेस था। पकर्ड का मतलब क्या होता है? इसको पकर्ड फेस बोलते हैं, ओके? तो मेरी दादी का फेस कुछ ऐसा ही था। मेरे दादी के लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे, लेकिन उनका जो प्रेयर था ना, वो किसी को भी सुनाई नहीं देता था। मतलब वो मन ही मन में गाती थी, बट उनके जो लिप्स थे ना, वो हमेशा मूव करते रहते थे, मतलब एकदम इनऑडिबल प्रेयर जैसा। मेरी दादी बहुत ही ज्यादा पीसफुल और काम थी, बिल्कुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन जैसे। जैसे कि व्हाइट कलर का स्नो होता है ना, वो कितना ज्यादा पीसफुल और काम होता है, वैसे ही मेरी दादी भी थी। तुम्हें पता है, मैं और मेरी दादी हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और जब से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर सिटी में रहने चले गए, तब से मैं अपनी दादी के साथ हूँ। और रोज सुबह मेरी दादी ही है जो मुझे स्कूल के लिए उठाया करती है और तैयार करती है। जब मेरी दादी मुझे सुबह उठाकर मुझे तैयार करती थी, मुझे नहलाती थी, तभी साथ साथ वो प्रेयर भी गाते रहती थी। मैं हमेशा अपनी दादी को सुना करता था, लेकिन बस इसलिए सुनता था क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसे सीखना था, और मैंने उसे कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि ये काफी अलग बात है कि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं उस प्रेयर को सीखूं। पता है, स्कूल जाने से पहले दादी मुझे हमेशा एक वुडन स्लेट देती थी जिसके ऊपर मैं लिख पाऊं। स्लेट का मतलब तो पता ही होगा ना, और वो हमेशा उसे वास कर और प्लास्टर लगाकर रखती थी ताकि मैं हर रोज उसे स्कूल ले जा पाऊं। साथ ही मैं एक येलो कलर का चॉक देती थी, एक रेड पेन देती थी और एक अर्दन इंक पॉट भी देती थी। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट। वो सभी को अच्छे से साथ में बांधकर मेरे बैग में रख दिया करती थी। देखो, यहाँ पे बैग तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ बंडल लिखा हुआ है, उतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। बंडल का मतलब झोला भी हो सकता है, या हो सकता है वो रस्सी से सबको बांधकर भी दे देती होगी। पता है, दादी हर रोज सूखी मोटी चपाती के ऊपर बटर और चीनी लगाकर मुझे खाने के लिए ब्रेकफास्ट में देती थी। पता है, सूखी मतलब कि स्टेल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो चपाती जो थी ना, वो पहले की थी, मतलब कल रात की या फिर कल की मुझे खानी पड़ती थी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी दादी के साथ स्कूल की तरफ निकल जाता था, और मेरी दादी हमेशा साथ में एक स्टेल चपाती, मतलब कल की चपाती, अपने साथ लेके मेरे साथ स्कूल जाती थी ताकि हम स्ट्रीट डॉग्स को वो चपाती दे सके। तुम्हें पता है, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल क्यों जाती थी? क्योंकि जो मेरा स्कूल था ना, वो टेंपल के साथ जुड़ा हुआ था, और जो सबसे पहला क्लास लगता था ना, उसमें जो उस मंदिर के पुजारी थे ना, वही हमें आके पढ़ाया करते, और वो जो पुजारी थे ना, वो हमें अल्फाबेट्स भी सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाया करते थे। जब तक हम बच्चे वरांडा में बैठकर प्रेयर्स गाते थे और अल्फाबेट्स सीखते थे, तब तक मेरी दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, मतलब रिलीजियस बुक्स कह सकते हो तुम लोग उसे। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी और मेरी दादी भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर घर की तरफ जाने लगते थे। लेकिन हमेशा की तरह जो टेंपल डोर है ना, उसके पास कुत्ते हमारा वेट करते रहते थे। वहां पे मेरी दादी उन कुत्तों को रोटियां देती थी, लेकिन जो कुत्ते थे ना, वो आपस में झगड़ा करने लगते थे कि मैं खाऊंगा, और झगड़ा करते करते जो कुत्ते थे ना, वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे इन होप कि हम उन्हें और कुछ खाना दे सके। पता है, वो भी ग्राउल करते हुए। ग्राउलिंग का मतलब पता है ना, जो कुत्ता ऐसे आवाज निकालता है। मेरे से नहीं होगा, मैं कुत्ता दिख रहा हूँ तुम लोग को, हद है यार।
जब मेरे पेरेंट्स कंप्लीटली सेटल हो गए सिटी में, तब उन्होंने मुझे और मेरी दादी को घर बुला लिया। लेकिन वो पॉइंट मेरी और मेरी दादी के रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद हालांकि हम सेम रूम में रहा करते थे, लेकिन मेरी दादी मेरे साथ कभी भी स्कूल नहीं जाया करती थी, क्योंकि मुझे लेने एक मोटर बस आता था, मतलब बस आता था। और हाँ, अब वहां पे कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे। लेकिन मेरी जो दादी का खाना खिलाने का जो आदत था ना, वो गया नहीं। वो मेरे घर के वरांडा पे बहुत सारे स्पैरोज होते हैं ना, उन्हें खाना दिया करती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे से मूव ऑन हो गए, मतलब अब हमारे बीच उतनी बात नहीं होती थी, हम अपने अपने काम में बिजी हो गए। जब भी मैं स्कूल से घर आता था, मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि आज मैंने क्या क्या सीखा, और मैं हमेशा उन्हें बताता था कि मैंने कुछ बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स सीखे हैं, वेस्टर्न साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी और वर्ल्ड बीइंग राउंड, मतलब ये जो दुनिया गोल है ना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। ये सब सुनकर मेरी दादी बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हो जाती थी, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता था। इसका दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, क्योंकि वो मेरे स्टडीज में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी और उन्हें ये सारी चीजों में भरोसा नहीं था। दूसरा, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरे स्कूल में कुछ भी गॉड से रिलेटेड या फिर स्क्रिप्चर से रिलेटेड पढ़ाया नहीं जाता, बस ये फालतू की चीजें पढ़ाए जाते हैं जो कि उनके लिए कोई सेंस नहीं बनाता। अब तू अपने दादी को लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझाओगे तो तुमको लात जूते तो पड़ेंगे ना। वही मेरे साथ भी हुआ। हालांकि मेरी दादी ने मुझे तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे इस इंग्लिश स्कूल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर एक दिन जब मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरे स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा, कोई भी अच्छे घर के बच्चे या फिर जो अच्छे घर के लोग होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह के गंदे काम नहीं करते, क्योंकि मेरी दादी के लिए ये जो म्यूजिक सीखने वाला जो चीज था ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरा काम था। उनके अकॉर्डिंग जो भिखारी होते हैं या फिर जो बहुत गरीब लोग होते हैं या बहुत अनकल्चर्ड लोग होते हैं ना, वो लोग इस तरह के नाच गाने वाली चीज सीखा करते हैं। हालांकि वो गलत थी। आजकल के टाइम पे तो लोग डांस के बल पे, म्यूजिक के बल पर कहां से कहां पहुंचते जा रहे, लाखों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। बट उनके मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज गलत थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि इस पॉइंट पे मेरी दादी जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये जो कुछ भी नहीं कहा, मतलब ये जो चुप्पी थी ना, उन्हीं में उनकी नामंजूरी थी। मतलब कि ये चीज सुनने के बाद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इस इंसिडेंट के बाद मेरी जो दादी थी ना, उन्होंने रेयरली ही मुझसे कभी बात करा। और इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे मुझे खुद का एक रूम दिया गया, और इस पॉइंट पे मेरी और मेरी दादी के बीच में जो एक कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था ना, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब हम साथ भी नहीं रहते थे। बात करना तो छोड़ो, हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और अब मेरी दादी समझ गई थी कि उन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो इस चीज को बहुत ही नॉर्मली टेक करी, मतलब वो इस चीज को बहुत ही नॉर्मली समझ गई, और उसके बाद हम अलग हो गए। इसके बाद मेरी जो दादी थी ना, वो सुबह से लेकर रात तक, मतलब सनराइज से लेकर सनसेट तक, वो बस स्पिनिंग व्हील को चलाया करती थी और प्रेयर गाया करती थी। लेकिन बस बीच में आफ्टरनून के टाइम वो एक टाइम उठा करती थी उन स्पैरोज को फीड करने के लिए। दादी ब्रेड को लिटिल लिटिल टुकड़े मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेती थी और ऐसे छिड़क देती थी, और उस पॉइंट पे हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आके वहां पे जमा हो जाते थे और सबको चिरपिंग साउंड निकालने लगते थे। जो स्पैरो साउंड निकालती है ना, वैसा साउंड निकालने लगते थे। पता है, कई चिड़िया तो आकर उनके टांगों पर, कुछ उनके शोल्डर पे, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। और ये सब चीज को देखकर मेरी दादी माँ स्माइल करती थी, लेकिन कभी भी उन्हें सूट नहीं की। सूट का मतलब सुसु, मतलब भगाई नहीं कभी। जब वो स्पैरोज उनके ऊपर आके बैठते थे ना, वो उन्हें कभी भगाती नहीं थी, वो बस स्माइल करती थी। और वो जो हाफ एन आवर था ना पूरे दिन का, वो उनके लिए बेस्ट हाफ एन आवर था। जब मैं छोटा था ना, मैं और मेरी दादी साथ में सेम रूम में रहा करते थे, विलेज में रहते थे, साथ में स्कूल जाया करते थे। हमारे बीच का जो फ्रेंडशिप था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरे पेरेंट्स भी सिटी में सेटल हो गए, तो जब वो सिटी में सेटल हुए तो वो मुझे और मेरी दादी को सिटी में बुला लिए, और फिर वहां पर जाने के बाद मुझे मोटर बस लेने आता था, तब मेरी दादी नहीं जाती थी, इसलिए हमारी जो फ्रेंडशिप का लिंक था ना, उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेकेज आने लगा। लेकिन फिर भी हम सेम रूम में सोया करते थे, साथ रहा करते थे। लेकिन मैं फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, वहां पे मुझे एक सेपरेट कमरा मिला। और फिर जो एकदम लास्ट में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था ना हमारा, मतलब मेरी और मेरी दादी के बीच में, मतलब मेरी और मेरी दादी के बीच का, वो वहां पर जाने के बाद कहीं ना कहीं टूट सा गया। और उसके बाद फिर मैं और ज्यादा बड़ा हुआ, और उसके बाद मुझे जाना पड़ा अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए। आई नो मेरी दादी उस वक्त ये सब चीज सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हुई होगी। अब देखो, जो मैं फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा था ना, वो करीब 5 साल का था, एंड मेरी दादी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी कि कुछ कह नहीं सकते कि 5 साल बाद जब मैं आऊं तो मैं उन्हें देख पाऊंगा या नहीं।
क्योंकि उनकी एज ही इतना हो गई थी ना, तुम लोग समझ ही रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हमें नहीं पता था कि हमारी दादी और कितना दिन जिएगी, लेकिन हमारी दादी को पता था, इसलिए वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती है और फिर भी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी इमोशन शो नहीं करती है। जब मेरी दादी मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आती है ना, तब भी वो प्रेयर गा रही होती है और रुद्राक्ष के माला को गिन रही होती है, और उसके बाद मेरे जाने से पहले मेरी दादी जो होती है ना, वो मुझे फोरहेड पे किस करती है, और वो जो मोमेंट था ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस मोमेंट था, और वो मोमेंट को मैं अभी फील कर सकता हूँ। हालांकि ये सब के बाद जब वो मेरे फोरहेड पे किस करती है ना, जब उनका सलाइवा थोड़ा सा मेरे फोरहेड पे लगता है, ये बिल्कुल एक स्टैम्प की तरह है, जैसे कि शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, और हो सकता है इसके बाद जब मैं 5 साल बाद आऊं तो फिर से मैं उन्हें देख ना पाऊं या फिर टच ना कर पाऊं। पर पता है ऐसा नहीं था, जब मैं 5 साल बाद वापस आया ना, तब मैं स्टेशन में अपनी दादी माँ से फिर से मिला, और वो बिल्कुल भी एक दिन भी एक्स्ट्रा बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब वो बिल्कुल भी एक दिन भी एक्स्ट्रा ओल्ड नहीं दिख रही थी। जैसा मैं 5 साल पहले उन्हें छोड़कर गया था ना, 5 साल बाद जब मैं आया, तब भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। और जब मैंने उन्हें हक किया ना, तब मैं उनके रिसाइटिंग प्रेयर्स को सुन पा रहा था अपने कानों में। और पता है अभी भी उनका शेड्यूल बिल्कुल पहले की ही तरह था, अभी भी वो स्पैरोस को कुछ वो ब्रेड के क्रम्स दे रही थी खाने के लिए, लेकिन इस बार वो हल्का हल्का सा उन स्पैरोस को डांट भी रही थी जब वो उनके ऊपर आके बैठ जा रहे थे, ऐसे मतलब प्यार से, मतलब ऐसे नहीं कि भागो सू सू सू, ऐसे नहीं, मतलब चलो जाओ यहाँ से, ऐसे मत करो। हालांकि मेरी दादी की इवनिंग रूटीन में कुछ तो चेंज था, इवनिंग के टाइम पे वो आसपास की औरतों को जमा करती है, वुमेन्स को जमा करती है, एक ढोल को, पुराने ढोल को कहीं से लाती है और उसे बजा कर गाना शुरू कर देती है। क्योंकि स्टार्टिंग मेरी दादी तो कहती थी कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो लोग गाना नहीं गाते हैं, जो बस बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, अनकल्चर्ड लोग, भिखारी लोग होते हैं, बेगर्स लोग होते हैं, वो लोग गाया करते हैं। लेकिन इस मोमेंट पे मेरी दादी खुद इंटरेस्ट के साथ ढोल बजा बजा कर गा रही थी, लेकिन पता है दादी घंटों तक उस ड्रम्स को ऐसे बजाए जा रही थी। और पता है क्या गाना गा रही थी? होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब जो वीर लोग होते हैं ना, जो ब्रेव लोग होते हैं, उनकी कथाएं, कहानियां, पोएट्री या फिर सॉन्ग्स, समझ रहे हो, उस टाइप का चीज वो गा रही थी वॉरियर्स के बारे में। और वो इस चीज को इतना ज्यादा ओवरडू करने लगी, मतलब इतना ज्यादा करने लगी कि हमें दादी माँ से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि अब तो रुक जाइए, अब प्लीज अब शांति से बैठ जाइए, अब इतना भी ज्यादा करने की क्या जरूरत है। और ये पहली बार था जब मैं अपनी दादी को इस रूप में देखा था, मतलब जब वो प्रेयर नहीं गा रही थी, क्योंकि वो हमेशा हर वक्त बस प्रेयर गाया करती थी। लेकिन देखो अगले दिन मेरी दादी काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहती है कि बस माइल्ड फीवर है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी का कुछ अलग ही सोचना था, वो कहती है कि जैसे अब उनका एंड नियर आ गया है, मतलब कि अब वो बस मरने ही वाली। दादी कहती है कि अब उनका जो लास्ट चैप्टर है उनके लाइफ का, वो भी बस अब खत्म ही होने वाला है, मतलब अब बस वो मरने ही वाली है, जाने ही वाली है, तो अब वो किसी से भी बात कर कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और ना ही भगवान को प्रे करना चाहती है। हमने प्रोटेस्ट करा, मतलब मैंने, मेरी फैमिली ने, कि दादी माँ आप ऐसा क्यों सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, बट वो हमारी बात को सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो बस रुद्राक्ष के माला को गिने जा रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, मतलब वही प्रेयर्स जो वो हमेशा से गाया करती थी। हमें कुछ पता भी नहीं चला, और अचानक से जो दादी माँ थी ना मेरी, वो अचानक से चुप हो गई, मतलब उनका जो लिप्स था ना, वो मूव करना बंद हो गया, और उनके हाथ में जो रुद्राक्ष का माला था, मतलब जो रोजरी था, वो उनके हाथ से फिसल कर जमीन पे गिर गया। और फिर उनका जो फेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा पेल हो जाता है, एंड हमें पता चल जाता है कि वो अब नहीं रही, मतलब वो अब जा चुकी है, मतलब सी वॉज डेड। और जैसा कि हमारे यहाँ का कस्टम है, हमने दादी माँ के डेड बॉडी को उठाया, जमीन पे रखा, और उनको रेड श्राउड से, मतलब रेड कलर के जो कपड़े होते हैं ना, उससे उनको ढक दिया, जैसे कि एक डेड बॉडी उसको ढका जाता है हमारे कस्टम के अनुसार। उनके सभी चाहने वाले लोगों ने दुख प्रकट करा, सभी रोए, लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के लिए हमने दादी माँ के डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया और अरेंजमेंट्स के लिए चले गए। किस चीज के अरेंजमेंट्स के लिए? फ्यूनरल के लिए। कोई भी मर जाता है तो उसके बाद फ्यूनरल करना पड़ता है, सबके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्यूनरल होता है, राइट? तो हम लोग भी हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो फ्यूनरल होता है उसके अरेंजमेंट के लिए चले गए। और उसके बाद हम इवनिंग में वापस से आते हैं दादी माँ के रूम में, दादी माँ को उठाते हैं स्ट्रेचर के ऊपर, जो हमारे घर पे ही बना हुआ था, उस पे उठाते हैं और दादी माँ को लेकर चले जाते हैं उन्हें डिस्पोज करने के लिए, मतलब जो डेड बॉडी होता है ना, उसे डिस्पोज करने। इवनिंग का टाइम था, सन सेट कर रहा था, इसलिए हमारे वरांडा पे बहुत ही ज्यादा ब्राइट गोल्डन सनलाइट पड़ रहा था। और देखो हम दादी माँ को जलाने ही जा रहे थे, लेकिन पता है हमने क्या देखा? हमारी दादी माँ का जो रूम था और
पूरे वरांडा पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो थे ना वो आके इकट्ठा हो गए। और देखो इस पॉइंट में हमें ये समझ में आ रहा है ना कि देखो बस प्यार इंसानों के बीच में नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप बस इंसानों के बीच में नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्पैरोज और ग्रैंडमदर के बीच का जो रिलेशनशिप था ना, वो हमेशा जाके ब्रेड के क्रम्स को उन स्पैरोज को देना, उन्हें फीड करना, और फिर स्पैरोज का हमेशा आकर वो खाना खाना, ये जो रिलेशन हो गया था ना स्पैरोज और ग्रैंडमदर के बीच में, ये भी एक बहुत ही मजेदार बात है। लेकिन ये मोमेंट काफी अलग था क्योंकि इस मोमेंट पे कोई भी स्पैरोज जो थे ना वो चर्पिंग साउंड नहीं निकाल रहे थे। मेरी मॉम जो होती है वो ब्रेड्स के टुकड़े ऐसे फेंकती है ताकि वो सारे स्पैरोज खा पाए, लेकिन एक सिंगल स्पैरो भी जो होता है ना वो एक पाइट भी उस ब्रेड क्रम्स का नहीं खाता है। सभी स्पैरोज बस मेरी दादी के उस डेड बॉडी को देखे जा रहे थे। इससे तुम पता लगा सकते हो कि मेरी दादी और उन स्पैरोज के बीच का रिलेशन कैसा था। फिर मैंने भी वही किया जो मेरी मम्मी ने किया, मैंने भी ब्रेड क्रम्स उठाया और उन स्पैरोज की तरफ फेंका, लेकिन अभी भी कोई भी स्पैरोज एक सिंगल बाइट भी उस ब्रेड क्रम्स का नहीं खाया। ऐसा लग रहा था कि वो जो सारे स्पैरोज है ना वो बस दुख प्रकट करने के लिए आए हैं, वो उस पॉइंट में कुछ भी खाने के लिए नहीं आए। और उसके बाद मेरी दादी के डेड बॉडी को वहां से उठाया जाता है और वहां से ले जाया जाता है, और के बाद ही वो सारे जो स्पैरोज होते हैं ना वो वहां से उठते हैं और उड़ जाते हैं। और पता है क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आता है वो आता है, जमीन साफ करता है और सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है। मतलब हमें ये पता चलता है कि अगले दिन के सुबह तक जो स्पैरोज थे ना उन्होंने एक बाइट भी उन ब्रेड का नहीं खाया जो उन्हें दिया गया था। एंड पता है क्या, इस तरह से हमारी ये जो पूरा चैप्टर होता है ना वो खत्म होता है। होप सो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो, और अगर तुम्हें सच में अच्छे से समझ में आया ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इस वीडियो को थोड़ी अच्छी रीच मिले। एंड आई नो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, एंड इससे वही लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ना जो लोग अपनी दादी से क्लोज थे, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो फर्क नहीं पड़ता, जो लोग भी अपनी दादी से क्लोज थे ना वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे। हालांकि उस पॉइंट से हटकर मैंने तुम्हें हर एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एंड मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम लोग एग्जाम्स में भी अच्छे से लिख कर आओ। अब कुछ लोग को क्वेश्चन होगा कि क्या बस आपने जितना बताया उतना पढ़कर जा सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो हाँ इतना काफी है। इस वीडियो को अच्छे से देख लो, स्टोरी को अच्छे से समझ लो, बस हाँ एक चीज याद रखना, इस स्टोरी में जो कीवर्ड्स है ना उन्हें याद कर लेना, क्योंकि जब तुम एग्जाम में लिखते हो ना तो अगर तुम आंसर राइटिंग में उन कीवर्ड्स को ऐड कर देते हो तो फिर बात ही अलग हो जाता है, मतलब तुम्हें फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें उतना भी मेहनत नहीं करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए कीवर्ड्स पे की पॉइंट्स पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर दो, मैं कर दूंगा। तो चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।